नमस्कार, डी भारत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ इरम त्यागी। लखीमपुरी खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन से कड़े सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा है कि आखिर प्रशासन ने आशीष मिश्रा की जमानत क्यों नहीं रद्द की, जबकि मामले की जांच कर रही SIT ने ऐसा करने की सिफारिश की थी। लखीमपुरी खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। इंडिया टुडे से जुड़ी अनीशा माथुर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के चीफ जस्टिस NV रमना ने यूपी सरकार की तरफ से दलील पेश कर रहे वकील से पूछा। इस मामले को देख रहे जज की रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जमानत को रद्द करने और इस संबंध में एक एप्लीकेशन दाखिल करने की सिफारिश की थी। आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? चीफ जस्टिस ने आगे कहा है कि मामले की जांच कर रही SIT ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मुख्य आरोपी की जमानत याचिका रद्द करने की सिफारिश की थी। मॉनिटरिंग जज ने भी ऐसा ही कहा है। इधर उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैंने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं देखी है। रिपोर्ट के मुताबिक इतना कहने के बाद वकील कोर्ट रूम से बाहर चले गए। उन्होंने मुख्य सचिव को फोन मिलाया और फिर कोर्ट को बताया कि मुख्य सचिव को SIT और मॉनिटरिंग जज की कोई सिफारिश नहीं मिली है, जिसके बाद कोर्ट ने रजिस्ट्रार से सिफारिश की कॉपी यूपी सरकार के वकील को देने को कहा। मामले में आशीष मिश्रा की पैरवी कर रहे वकील महेश जेठमलानी ने भी एक कॉपी मांगी। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को स्थगित करने का आग्रह किया। चीफ जस्टिस ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया, हालांकि ये भी कहा है कि मामला 1 महीने से ज्यादा खींच चुका है। चीफ जस्टिस ने कोर्ट में SIT की जिस सिफारिश की बात की वो 22 फरवरी को जारी हुई थी। इससे पहले SIT ने इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। SIT की तरफ से कहा गया था कि किसानों के ऊपर पूरी योजना बनाकर गाड़ी चढ़ाई गई थी, साथ ही साथ घटना स्थल पर गोलियां भी चलाई गई थी। लखीमपुरी खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को पिछले साल 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। ये पूरा घटनाक्रम 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुरी खीरी के तिकोनिया में हुआ था। कुल 8 लोगों की जान भी गई थी, जिसमें 4 किसान शामिल थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहिए। नमस्कार।